अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोबीवेट क्रीम के बारे में। क्लोबीवेट क्रीम किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस क्रीम को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस क्रीम को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है और यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वतन में सेफली यूज़ की जा सकती हैं या फिर नहीं, और इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे कि स्किन वाइटनिंग में इसका क्या रोल है, क्या वाकई में स्किन वाइटनिंग में यह हम किरदार अदा करती हैं, अगर स्किन वाइटनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह फ्री में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं दोस्तों। क्लोबीवेट क्रीम की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है क्लोबीटासोल प्रोपियोनेट, जो कि 0.05% की स्ट्रेंथ में इसमें मौजूद है दोस्तों। ये एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम है जिसमें हाइपोटेंसी में स्टेरॉइड ड्रग मौजूद होती है। मार्केट में क्लोबीवेट क्रीम के अलावा क्लोबीवेट ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी अवेलेबल है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजर्स की, तो दोस्तों जैसे कि स्टेरॉइड ड्रग है तो इसको वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन एलर्जीज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको यूज़ किया जा सकता है डर्माटाइटिस में, सोराइसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, पराराइटिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्जिमा में यूज़ कर सकते हैं, स्किन एलर्जीज एंड रैशेज में यूज़ कर सकते हैं। अगर सादा अल्फाज में कहें तो किसी को अगर कोई स्किन पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हुई है उसकी वजह से जो रेडनेस इचिंग एंड स्वेलिंग है उस में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को एलर्जी की वजह से जो है स्किन पे कोई पैचेस वगैरह बन गए हैं, कोई रैशेज वगैरह बन गए हैं, कोई इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, इचिंग वगैरह हो रही है, तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। ये इसके कुछ यूज़र्स थे। बात करते हैं कि अगर इसको यूज़ किया जाए कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को स्किन पे ड्राइनेस आ सकती है, इसके अलावा पेशेंट को जहाँ पे अप्लाई किया वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, अगर लॉन्ग टर्म में यूज़ करें तो एक्सेसिव हेयर आ सकते हैं, स्पाइडर वेन हो सकती हैं। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसको यूज़ ना करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं एलर्जी को इस साल से क्लोबीटासोल से या फिर दूसरी स्टीराइड ड्रग्स के साथ, तो वो इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर कोई पहले ही स्टीराइड मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का क्या तरीकाकार है, तो दोस्तों इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि इफ़ेक्टेड एरिया को अच्छी तरह से जो है वॉश क्लीन करने के बाद ड्राई कर लें और उस पर जो है अप्लाई करके अच्छी तरह से रब कर लें, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 7 से 10 दिन तक यूज़ करें, अगर 7 से 10 दिन तक जो है आपकी रिकवरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर तब भी रिज़ल्ट नहीं मिलते तो करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें। अब बात करते हैं जी स्किन वाइटनिंग में इसका क्या रोल है, तो दोस्तों स्किन वाइटनिंग में बहुत सारी फीमेल इसको यूज़ करती हैं क्योंकि ये एक जो है स्टेरॉइड ड्रग है, तो जब भी इसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है तो ये जो है हमारे जो मेलानिन सेल्स होते हैं उनको सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो कलर है वो थोड़ा डार्क होता है। मेलानिन का काम ये होता है कि ये हमें धूप की शुआओं से बचाते हैं। जब भी आपने अक्सर देखा होगा कि आप धूप में ज़्यादा काम करते हैं तो आपका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, वो मेलानिन की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो जब फीमेल इसको यूज़ करती हैं तो ये मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उससे जो है स्किन की जो रंगत है वो थोड़ी वाइट हो जाती है, तो इस सूरत में फीमेल खुश हो जाती हैं कि बहुत कमाल का रिज़ल्ट मिला है। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, अगर आप इसको लंबा अर्सा तक यूज़ करेंगे तो उससे जो है आपको स्किन पर रेडनेस वगैरह आ सकती है, स्किन पर रैशेज़ वगैरह बन सकते हैं, और इसके अलावा जब इसको छोड़ते हैं अप्लाई करना तो उसके बाद जो है आपके कलर स्किन का कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको स्किन वाइटनिंग के तौर पे कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि एक मेडिकल प्रोडक्ट है तो इसको मेडिकल प्रोडक्ट के तौर पे ही डॉक्टर यूज़ करवाते हैं, स्किन वाइटनिंग में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जो है बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती हैं फिर नहीं, तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में जो है अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है अपनी सुपरविजन में तो यूज़ करें, एसएल मेडिकेशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में कभी भी यूज़ ना करें।
इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में आपको मिलेगी जी 124 पीस की, 124 रुपये की ये पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल क्लोबीवेट क्रीम का, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल नहीं है हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं मैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।